बाबा इज बैक। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका रामधर बाबा। आज आपको सोलन के वादियों घुमाएंगे। मौसम ने धोखा दे दिया यार। मौसम इतना ठस्सा निकला, मैं क्या बताऊं। तो खुशखबरी है, पहले तो खुशखबरी है कि हमारी एक मोहतरमा एक मित्र हैं जो बंबई से कल ही लैंड हुई हैं और कल ही हम उनको उठा के सोलन ले आए, ये सोच के कि तुमको वादियां दिखाएंगे। एनीवे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे अपनी फ्रेंड के पास। देखो जरा क्या मौसम हो रखा है, बदलो बदल हो रखी है। एनीवे कल मेरा जन्मदिन है, आज रात 12 बजे के बाद मेरा जन्मदिन है। मैं खा लेता हूँ ना पहले, क्योंकि ये जो आलू आलू दिख गया ना है, रोक नहीं पाऊंगा उसको। ये तो संतरी जैकेट और ये संतरी कलर का पेंट हुआ बड़ा है। आ गई तो कैमरा में, ये गोप्रो है, इससे नहीं बच पाया कोई भी। कहा छुपाएगी, बोला कैमरा में नहीं आना। और एक्टर है बताओ, ओए गुरुदेव, हर हर महादेव, तपस्या करूंगा आज यहाँ बैठ के। पहले खुद घूम लूं फिर घुमाता हूँ, तब तक के लिए ये थोड़ा सा चेक करो एक बार, है ना। दफा या 100 दफा इतने भी दफा हूँ बारिश लेकर आता हूँ, ये इल्जाम मैं खुद पे लेता हूँ। आए थे, बैठे, माथा वाथा टेका तो बारिश लग गई, तो अब इनकी गिरफ्त में है। मैं क्या बाबा, ये बैठ के गपशप मारते हैं, मॉल बनाते हैं। ओके जी, तो काफी देर हो गई है हमें यहाँ पर मंदिर में बैठे हुए, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। और बाबा साथ बैठ के गपशप मार रहे थे, उनकी जीवनी सुन रहे थे, क्योंकि क्या है ना, कलाकार को एक आदत होती है, एक चुल होती है कि हर किसी की जिंदगी के बारे में जानना, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी साइकी को पहचानना। बहरहाल बारिश पड़ी थी, फर्श गीला हो गया था, सूख भी गया, इतनी देर हो गई है। सॉक्स मेरे परे हैं, शाइना उधर ही है, उसको कैमरा में नहीं आना। एक्चुअली पहले मैंने उसको कैमरा में कैप्चर कर लिया था, बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मेरी तरफ से कैमरा ऑन है। तो कैसे लगे ये सिनेमैटिक्स? मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, मतलब वाह। वही बात है कि ना, कमरे से निकलने से पहले मैं सोचता हूँ कि क्या बनाऊंगा, क्या करूँगा, मगर कहानी बन जाती है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी खुद तो कलाकार हैं ही ना यार, कर लेंगे कुछ ना कुछ, बाबे टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल जय शंकर महाराज की। अब आई डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, अभी जाके लंच वंच करेंगे और फिर अगली क्या डेस्टिनेशन है मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं उसको एक स्पेस दे रहा था कि तू यहाँ बैठ, फील कर, वाइब ले, कम टाइम है, एक जगह पे बैठ के एंजॉय कर। लाइक जस्ट लुक एट दिस, अमेजिंग फील है। मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहिएगा रे बाबा साथ, तब तक सब्सक्राइब कर लो एक बार, ठीक है। एक तो यार मैं ब्लॉगर, ऊपर से मैं क्यूट इतना, हाय हाय, अब जाके रोटी खाऊंगा, बड़ी बड़ी भूख लगी है। अरे तू गंदी क्यों हो जाती है यार? अरे कौन सी बारिश पड़ती है जो मिट्टी कर देती है यार, समझ नहीं आता। ऊपर से तो पानी गिरता है ना, तो फिर रेत मिक्सिंग कैसे हो जाती है इसमें? सो स्टूपिड यार। ये वेव्स, हेलमेट पहन के तो हर कुछ ब्यूटीफुल लग रही, देख इधर वाला। इसको कैमरा में नहीं आना है, और वैसे इसको एक्टर बनना है, बताओ मतलब है। तेरे को क्या लग रहा है, सस्ता काम है ब्लॉग? देख ले तेरा भाई, जिस दिन चढ़ गया ना कुंडी, उस दिन तू भी स्टार बन जाएगी कि अरे बाबा इनको तो हमने रामपुर बाबा के ब्लॉग्स में देखा है। कुड़ी बाबा, कुड़ी बाबा, कुड़ी बाबा। चलो यार अभी लंच करने जाते, भूख लगी इसको भी, मेरे को भी, वहां मिलते जाके। ऐसे कर दे अब चूड़ी जो करने की। बाय 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 टू दिस टेंपल, बाय बाय। सागर सागर रत्ना रत्ना, मैं आया खाने दारू ना चखना, लेके चलते हैं सागर रत्ना। अरे बाबा तुम हर कहीं है रे, उधर देखो बाबा देखो। तू ही बता क्या खाना है यार, मेरे को तो नहीं पता है क्या मिलता है।
कैमरा से डरती है ये लड़की, नहीं देख पाती स्क्रीन की तरफ, कांपना सा महसूस करती है लड़की, गुस्से में आके मुझे चांट मार सकती है। One hour later. Bye bye सागर रत्ना, बढ़िया सा मजेदार लब लपा लजीज खाना खाने के बाद हमें कंटेंट मिला है। दिस इज CCD, फुल फॉर्म है चंदर कॉफी डे। चलो ठीक है भाई, ब्लॉगिंग के नाम पे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या ही हो रहा है यार। ये मेमोरी कार्ड लोगों को कुछ करो यार, ये बोलो सैंडिस्क वालों को कि मत करप्ट किया करो, क्या लफड़ा क्या है ये। मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, चेंज किया, दूसरा डाला, वो हरामखोर करप्ट, बट थैंक्स टू गॉड के उसमें 4 से 5 क्लिप्स थी जिसमें मैं सागर रत्ना से, आपने देखा मैंने खाया, उसको मैं शाइना को छोड़ने गया, उसको छोड़ा, फिर नवनीत से मिला, उसे चा भी ली, अभी मैं रूम पे आया। अब कहानी ऐसी है, मैं अभी बज रहे हैं 7 और मैं अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़ वापस। यस, क्योंकि क्या है ना, मुझे किसी को खुश करना है, किसी को मुझे खुश करना है, तो कोई मेरी खुशी में खुश है। जैसे कि दोस्त का फोन आ गया कि बापे कल तेरा बर्थडे है और तू चंडीगढ़ पहुंच। मैंने बोला कि मैं ऐसे से फ्रेंड के साथ हूँ। अब हुआ क्या, उसने भेजी एक ऑडियो, जो ऑडियो प्ले कर दी मैंने उसके सामने, अपने फ्रेंड के सामने। नाउ शी इज लाइक कि तेरे लिए कोई फ्रेंड तेरे कहीं से 200 किलोमीटर दूर से तेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चंडीगढ़ आ रहे हैं, तो तू जा। अब मेरी खुशी में वो खुश है और मुझे उनको खुश करना है। कहानी समझ रहे हो, मतलब खुशी का चक्कर है बाबू भैया, खुशी का चक्कर है। तो ठीक है, सामान पैक ही था, कुछ ओपन नहीं किया था, कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं था, हेलमेट उठाऊंगा और अभी चंडीगढ़ निकलता हूँ, पहली बार नाइट राइड करूंगा और उसके बाद फिर आपको सीधा चंडीगढ़ रूम पे मिलते हैं। थोड़ा ऐसा ही चल रहा है, क्या करें, अब करना पड़ता है, मतलब मेरे को बुरा भी लग रहा है। शाइना आई लव यू, नोनी आई लव यू, क्या करूँ, तेरे लिए आना पड़ रहा है, किसी को छोड़ के किसी को पकड़ने जा रहा हूँ, ऐसे है, लाइफ इज लाइक दिस, करना पड़ता है, क्या करें। टाइमिंग देखो, मैं जस्ट पहुंचा हूँ, जस्ट ये खड़ी मेरी बिजली और वो आ गया अपना बेटा, वो देखो अच्छू की गाड़ी आ गई, बिल्लू अच्छा आ गए, मोटे हिलते हुए चले, क्या सीन है तुम्हारा बिल्लू अच्छा, कैसा रहा खुशबू चलाई है, क्या चक्कर है, खुशबुओं में रह रहे हो आजकल, कैसा रहा आपका टिकट? बढ़िया रहा, मतलब ऑन स्पॉट ही बना वापस आने का, 1.5 घंटे में सोलन से, मतलब हो यार मेरे को बाइक की टेंशन हो गई, अब उसमें आवाज आ रही है, कल तो नहीं जा पाऊंगा, परसों जाता हूँ मैकेनिक के पास। चलो अभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, मैं मिलता हूँ। और अभी मेरे को जाना है, एक एक्चुअली मीटिंग है, ये मैंने बताया नहीं था, काम के रिगार्डिंग, एक्टिंग के रिगार्डिंग, तो नहा लेता हूँ एटलीस्ट। खुशी की बात है, जो बाहर मेरे जन्मदिन की खुशी में इंतजाम किए गए हैं, एक्सपेक्टेड नहीं था। वापिस आया तो देखा तो आई वॉज शॉक, पर मैं आके पहले नहाया, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद फिर आपको एक हल्की सी झलकी अभी दिखाते हैं, बाकी माहौल पूरा है। तो जी ये जो आपने देखी, ये तो थी अभी हल्की सी झलकी, मेरी हंसी आपको बता सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। I love you बाबा, he's everything. 2 hours later. 12 बज चुके, म्यूजिक बंद कर। अरे इसको बंद करो पहले, इसको जो है ना जज्बातों में और शब्दों में आने दो। आप पहली दफा रैम्बलर बाबा को देखे, कुछ एक अलग तार में जिसमें हमारी आंखें चढ़ी और हम खड़े। ये नहीं सोचा था यार, तस्वीरें मेरी बिजली है यार इसमें बाबा। अरे यार क्या गजब लगाया, अरे गजब यार। नोच खाऊंगा मैं, एक को बता रहा हूँ मैं, बिल्लू भाई। ओके, तो आप सब कमेंट में लिखे ना लिखे, एक दुआ मेरे लिए जरूर करना उस मालिक से। बाकी ये मेरे भाइयों ने मेरे लिए डेकोरेशन की है, आई डोंट ड्रिंक यूजुअली, बट आज रोक नहीं सकता था मैं अपने आप को, क्योंकि गरारी ऐसी थी। तो ठीक है जी, थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं, फिलहाल इस माहौल को थोड़ा सा यहाँ अटेंड करता हूँ, बिकॉज यू आर द प्रायोरिटी एंड देयर इज कैन डू वन। सुन तो नहीं रहा है शंकर बाबा, ये हो रही है केक कटिंग सेरेमनी रैम्बलर बाबा की, ये नाम मेरे मालिक का है। अरे ऊपर वाले को याद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि उम्र जितनी है उतनी रहेगी, बढ़ नहीं जाएगी, मगर जितनी है उसको जिए, महसूस करें, कुछ अच्छा करें, कुछ दे के जाए। माइकल भाई यार जल्दी आओ, केक काटना बाबा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब
करे, सबको खुश रखे जिंदगी में, हर नेक मुराद हर किसी की पूरी करे। लव यू। तू खा ले पहले। हां कर। हां वो तो बच्चा है, ईमानदारी से मास्क भी नीचे की है इसने। लव यू, लव यू। कोई चक्कर नहीं, आएगी ना ट्रैवलिंग का खर्चा तू करेगी, ठीक है? खाने वाली बना है, खाना लोखा थोड़ी खाना है। गल्ला कर दी गेड़ियां, पीछे पुलिस मार दी गेड़ियां। क्या बात है, इतनी मोहब्बत। नसब को गले मिलना चाहता, गले ऐसा मिलना चाहता हूँ कि अपने जज्बातों को गले मिलके मैं उनके पास भेजना चाहता हूँ। क्या बात है। आपसे थोड़ा पर्सनल ना मिलते हैं। ओ गॉड, ये तो थोड़ी सी यू नो वो वाली बात है कि थोड़ा संभाल लेते हैं हम सिचुएशन को, अदरवाइज आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, ये कुछ लगता है। ठीक है, केक आता है, तस्वीरें कौन छपवाता है? दुआ करना, हैप्पी बर्थडे मत लिखना, दुआएं मांगना मालिक से कि मालिक संतुष्टि रहे जीवन में, जो चाहते हैं वो मिल गया तब भी ठीक, नहीं मिला जय शंकर। इसी के साथ इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आंखें थोड़ी भरी हैं और थोड़ी चढ़ी हैं, समझ रहे हो? गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर। अच्छा लगे कुछ भी, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल थिंक ये मेरा तोहफा है आप लोगों की तरफ से। आई विल गेट कनेक्टेड टू यू पीपल फ्रॉम हार्ट। लव यू, ओम साई राम, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।